इतनी पी के क्यों गया था यार? अब क्या करूं यार, मैं बियर बार वाले को बस बस करता रहा लेकिन वो रिश्वत की तरह मुझे पिलाता ही रहा। रात को बीवी ने सारी उतार दी। अच्छा सुन, मैं एटीएम से पैसे निकल के आता हूँ, तू यहीं रुक। जल्दी आना। हाँ अभी आता हूँ। आज फिर अकेले रोड क्रॉस करना पड़ेगा, क्या करूं, किसको पकड़ूं? केयरफुल सौम्या, केयरफुल। अंकल के साथ कदम मिला, कोई एक्सीडेंट वैक्सीडेंट नहीं होगा। उधर नहीं, अपने को राइट में जाना है। अच्छा ये बता, मेरे घर में जगह होते हुए तूने रूम बुक करने को क्यों कहा? अरे अब बोलेगा भी, तू आने वाली 1 तारीख से ड्यूटी ज्वाइन कर रहा है, तो फिर 15 दिन पहले रूम बुक करने की क्या जरूरत थी? ड्यूटी ज्वाइन करने से पहले सिटी के क्राइम्स जानने हैं, सारे गुंडों से मिलना है। मिलना है मतलब? ड्यूटी ज्वाइन करने से पहले ही शहर की सफाई करने का प्लान है क्या? मेरा कोई सफाई वफाई करने का प्लान नहीं है। तो फिर डील, मैं गुंडों के साथ सेटिंग करना चाहता हूँ। लाहौल विला कुवत, मैं तो मरने ही वाला था। मुझे तो लगा था कि तू पहले दिन ही छक्के चौके लगा के सारे बदमाशों को रिटायर्ड हट करने वाला है। हाँ बोल बे ब्रोकर। अरे नहीं नहीं, वो वाली जमीन नहीं, उस जमीन के पास वाली जो दूसरी जमीन है ना, वो बुक कर दे। हाँ बड़ी वाली। अबे राहु के, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, शनि भारी है। डील फिक्स कर दे। हाँ ओके। अच्छा सुन, हाँ सिटी के डीआरजी के बारे में बता। ये डीआरजी क्या होता है? डी यानी दादा, आर यानी राउडी, जी मतलब गुंडा, शॉर्टकट डीआरजी। क्या बे शॉर्टकट? हाँ चलो मेरा लॉन्ग कट सुन। इस शहर का जो सबसे बड़ा डीआरजी है वो सब छोटे मोटे डीआरजीओ का बाप है, उसका नाम है भवानी। वो अकेला ही काफी है। एल्बर्ट के मर्डर के सिलसिले में उसे 15 दिन की पुलिस कस्टडी में रखा गया है। उसका एक राइट हैंड है जिसका नाम है बबलू शेट्टी। उसकी जब हटती है ना तो उसके चक्कू से गर्दन कटती है। और उस बबलू शेट्टी का एक चेला है जिसका नाम है महारिषि, एकदम हटेला है। और इन सबके ऊपर एक भेजा चलता है जिसका नाम है वकील पंकज लाल। उसे सब लाल कह के बुलाते हैं। और इस लाल के काले काम मिनिस्टर चिन्ना स्वामी के लिए सरकारी जमीनों पर कब्जा करना, हवाला से काले पैसे को स्विट्जरलैंड भेजना, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स अपने नाम करना, यूं कहूं कि मिनिस्टर के सारे काले काम वही संभालता है। आज की तारीख में मिनिस्टर के वो सबसे करीब है। ये थी अपने डीआरजी की कहानी। व्हाट अबाउट नेक्स्ट मूव? तूने बबलू शेट्टी का नाम लिया, उसे फोन लगा? अभी लगाता हूं। हां बोल हरी। भाई शहर के नए एसीपी 1 तारीख से अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने वाले हैं। हां तो वो मेरा खास दोस्त है। ऐसा क्या? दरअसल वो आपके भी खास दोस्त बनना चाहते हैं। मेरे को शहर के बारे एक छोटा सा मैटर निपटाना है, तेरे को शाम को 6 बजे फोन करता हूँ। ओके भाई, शाम को 6 बजे फोन करके बताएगा। 6 बजे तभी उसे मिल लेते हैं। तब तक देवी के दर्शन करते हैं। हाँ ए क्या कर रहे हैं? क्या करूं, नई चप्पल खरीदी है, बचानी तो पड़ेगी वरना चोरी हो जाएगी। पुलिस वाले का दिमाग हमेशा शार्प होना चाहिए। अच्छा सुन, मंदिर में एंट्री मारने से पहले जमीन को छू के ऊपर वाले का नाम लेना चाहिए, शास्त्रों में लिखा है ये। ठीक है, ये भी करते हैं। कार दिला दे, 3 BHK दिला दे, रोज के कलेक्शन में बढ़ोतरी होने दे। चल निकाल। क्यों बे भैया, अभी चप्पल उतारे हुए 1 सेकंड भी नहीं हुआ, पैरों में अब तक चप्पल की बदबू आ रही होगी। चोरी करनी थी तो कम से कम 10 मिनट इंतजार करके चोरी करता। चोर कहीं का, गधा कहीं का, नई चप्पल चुराता है। मारो मत।
वो क्या है ना, हम दोनों की चप्पल बिल्कुल एक जैसी है, इसलिए हाँ। गलती हो गई, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। अच्छा चल तेरी चप्पल दिखा। ये रही। अकल के अंधे, ये दोनों तुझे एक ही ब्रांड लगते हैं। हाँ। इन्हें देख के तू सच में कंफ्यूज हो गया था। जी हाँ। क्यों बे, जब अकल बढ़ रही थी तो तू क्या चप्पल चुराने गया था? झूठ भी बोलना नहीं आता तुझे है? इसे पहनने से अच्छा तो आदमी नंगे पैर घूम ले। सफेद कपड़े पहन के काले काम करना, शर्म नहीं आती? अच्छा एक बात बता, तुझे कैसे पता चला कि मैंने एक चप्पल को यहाँ और दूसरी चप्पल को वहाँ पार किया है? वो क्या है ना, ये मेरा रोज का बिजनेस है, अगर मैं नहीं देखूंगा तो और कौन देखेगा? जितना घटिया खुद है उससे घटिया तो चौक मारता है। आसपास दिखना भी मत वरना चप्पल से मारूंगा तुझे। अरे चल ना यार, दोनों चप्पल एक ही जगह रख देता हूँ ताकि ये सेफ रहे। चल भाई देवी माँ के दर्शन करते हैं। ये मेरे साथ ज्यादा छाण पत्ती नहीं करने का है भाई, तू डेढ़ छाणा है ना, तुम्हें पौने तीन छाणा हो। तूने किस हिसाब से वो लड़की को बोला है दादी क्या खंडाला? ये भाई वो प्राइवेट टैक्सी है क्या? हटेली बुद्धि। हरी हरी आप बाइक पर बैठ। आता हूँ आता हूँ, रुक जा रुक जा। हाँ संजय, मेरी बेटी टू व्हीलर चलाना सीखना चाहती है। ठीक है सर, लेकिन संभाल के, कहीं कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। जी आपकी बेटी आ गई, बात कीजिए। आपके पापा का फोन। सौम्या। यस पापा। तुम एक समझदार लड़की हो, देखो संभाल के चलाना, कहीं चोट ना लग जाए, जल्दबाजी मत करना। ओके पापा, बाय। बेटा आप यू टर्न लेना कब सीखेंगी? मैं तो कब की तैयार हूँ, पर ये स्कूटी है जो मानती ही नहीं। ये गाड़ी अपनी मर्जी से चलती है। हाँ हाँ, रुको रुको। हाँ यू टर्न लेते वक्त थोड़ा आराम से, डरने की। अबे चलाने वाली से ज्यादा तो ये गुलाब उड़ रही है। अरे छोड़ यार, अब देख। हे भगवान, ये क्या कर दिया सर? तुम जैसा सिखा रहे हो उससे अगले जन्म तक नहीं सीखेगी। बच्चे को स्विमिंग सिखानी हो तो उसे पूल में धकेल देते हैं, बच्चा स्विमिंग सीख ही लेता है। अरे तू भी ना, पहले देख ये जिंदा की मर गया। मुझे यहाँ फूट गया। अरे ठीक है ना? मैं ठीक हूँ। क्या कर रहा है? चुपचाप मेरी बात सुनो और जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। What happened? Happened? तुम्हारी वजह से एक आदमी का हो गया एक्सीडेंट। नहीं नहीं, ये सब मेरे कारण नहीं हुआ। हाँ हाँ, तुम तो यही कहोगी, लेकिन वो चिड़िया की तरह उड़ते हुए जो क्रैश हो गया, बेचारा बुरी तरह स्मैश हो गया। वो जो तरबूज ले जा रहा था, इसकी इतनी बुरी हालत हो गई है, तो पता नहीं उस कद्दू के दिमाग की क्या हालत हुई होगी। अब तो तुम पर दफा 302 306 लगेगी। इसका क्या मतलब होता है? मतलब जेल में उम्र कैद तक तुम कैद। डोंट क्राई, रोना है तो डेड बॉडी के सामने चल के रो। डेड बॉडी? बंद करो, मच्छर घुस जाएंगे। जल्दी बताओ तुम्हारे पास कितनी प्रॉपर्टी है? नो आईडिया। देन गेट आईडिया और खर्चे के लिए तैयार हो जाओ। यहाँ पर है, जल्दी आओ। बॉडी का है? डेड बॉडी का है? ए, अरे कद्दू की डेड बॉडी का है? कहाँ है डेड बॉडी? अभी कुछ ही देर में बाहर ले आएंगे, घर वाले आते ही होंगे अंतिम संस्कार करने के लिए। गया रे, अभी तो उसने गर्मी के मौसम का पहला तरबूज भी नहीं खाया था। छी, बदनसीब। If you know mind, जाने से पहले एक बार उसको टाटा बाय बाय बोल दो, तुम्हें अच्छा लगेगा। नहीं नहीं, मैं नहीं देख सकती, मुझसे नहीं होगा ये सब। डोंट वरी, ऊपर वाला है ना, घर की सलाह शुरू हो गया, वो संभाल लेगा। बिना लाइसेंस के अगर किसी को उड़ाओ तो सेक्शन आईपीएल 2020 T20 के तहत तू टॉप गियर डालना, 5-7 साल की जेल हो सकती है, तुम्हें पता है? तो क्या करें? क्या करें मतलब, वो हर रात को तुम्हारे सपने में भूत बन के तांडव करेगा। वो अलग बात है कि रियल में भी वो घोस्ट ही लगता है। परिवार की इज्जत का भाजीपाला, सबका मुंह काला हो जाएगा, न्यूज़पेपर टीवी सब जगह तुम्हारे। अरे रोना बंद करो, जो गया वो गया। रोते हुए अच्छी नहीं लगती हो, प्लीज रोना बंद करो। मुझे पेट बना के सब सेट कर रहा है। जाओ देखो उसे कितना वक्त लगेगा। क्या बात है, लड़की क्या मिल गई, दोस्त को नौकर बना दिया, घोर कलयुग रे बाबा। अरे रोने की जरूरत नहीं है, हम संभाल लेंगे ना। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, तुम बिल्कुल मत घबराओ। हम देखो हटो, बता रहा हूँ ना। सॉरी भाई साहब, आपको ज्यादा चोट तो नहीं आई ना? अरे आप सॉरी काहे को बोल रही है, आपने तो मेरी जान बचाई है, आप तो एक फरिश्ता हो। ओए, ये वही है जिसने तुम्हें स्कूटर से उड़ाया था, भूल गए? कुछ नहीं भूला मैं, पता है आज मेरे ऑफिस में आग लग गई थी, अगर मैं ऑफिस चला जाता तो मैं भी बाकियों की तरह जल के मर जाता। वो तो मेरा नसीब अच्छा था कि आज मैं बच गया इस एक्सीडेंट की वजह से। ये साक्षात देवी है, इन्होंने मेरी जान बचाई। बीवी का फोन है। मेरी चिंता की वजह से सिर्फ एक दर्जन इडली खा पाई। हाँ मेरी चंपा कली,
हाय, कुछ नहीं हुआ मुझे, एकदम मस्त हूँ मैं। वो एक्सीडेंट हुआ तो हॉस्पिटल में आ गया। ए, सुनो, तुम तुमने ऐसा क्यों किया? सुनो सुनो, खून 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 की नदियाँ बह रही हैं। इतना खून तो मैंने ब्लड कैंप में भी नहीं देखा था। अरे बाप रे, छोड़ मुझे बोलने दे। अरे चक्कर आ रहे हैं, चक्कर आ रहे हैं। उसकी लाश देख के मुझे चक्कर आ रहे हैं। अरे कद्दू चला गया। ओह नो। हेलो, नाउ यू क्राइंग स्टार्ट। ये सिचुएशन परफेक्ट है। इसकी शांति अचानक क्रांति में कैसे बदल गई? मैंने तो सोचा इस बार का बेस्ट एक्टिंग अवार्ड मुझे मिलेगा। शायद इस लंबू ने इसको किस कर लिया होगा। मुझे ऐसे ठोक के क्यों गई? अबे येड़े, वो आदमी पैरों पर चलकर गया यहाँ से। जाते वक्त बाय भी नहीं बोला। मेरी बीवी को अगर ये पता चल गया तो इस बार वो तुझे मारेगी नहीं, खाने में जहर डाल देगी। उसका बनाया खाना जहर से कम होता है क्या? हे बबलू शेट्टी का फोन है, बात करना। हाँ भाई। उसे ठीक शाम 7 बजे राजा राम के मेले में ले आना। सुपर भाई, सुपर। आते हैं भाई, आते हैं भाई, आते हैं। ठीक है भाई, फोन रखता हूँ। इतना मुस्कुरा क्यों रहा था? ए, राजा राम का मेला देख, फिर जान जाएगा। जज 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 जैसे जलवा जो दिखाएगी फुलवा, एकदम गर्मा गर्म लेगा। एक बात बता, तुझे लगता है मैंने बहुत चढ़ा लिया? नहीं यार, तूने सिर्फ 11 पैग ही तो लिए, फ्री में इतनी तो पीनी चाहिए। 11 पैग? बाइक नहीं चला पा रहा है, मैं चलाऊं क्या? बाइक मेरी प्रॉब्लम नहीं है, वाइफ मेरी प्रॉब्लम है, जिसने मार मार के मेरा कलर काला कर डाला है एवरीडे। तूने कभी सास बहू की सीरियल देखी है क्या? हाँ देखी तो है। याद कर उसमें कैसे बीवियां सज धज के राशन पानी लेके अपने पतियों को टॉर्चर करती है। मैं और कोई बहाने नहीं सुनना चाहती। सुना तुमने? शाम तक अगर मेरी बनारसी साड़ी नहीं आई तो भूल जाना मुझे। मेरी वाले भी ऐसी मारती है, बस बिना मेकअप किए। आज फिर से पिक कर आए हो? पिछले जन्म में कुत्ती थी क्या? आज फिर से पिक कर आए हो? लगता है टेप अटक गई इसकी। आज फिर से पिक कर आए हो? गलती से अगर महंगी वाली दारू पी भी ली ना, जिससे बदबू नहीं आती, फिर भी उसको पता चल जाता है। ऐसे कैसे यार? मेरी माँ तुम्हारी कसम नहीं पी। तो चलो इस पे फूंक मारो। ये तो मुझे पेवड़ा साबित करके ही रहेगी। पी नहीं है तो डरते क्यों हो? मैं शहर भर में लोगों की अल्कोहल टेस्ट करता हूँ, और मेरे घर में मेरी बीवी मेरा ही अल्कोहल टेस्ट करती है। अगर ये न्यूज लीक हो गई ना तो मेरी इज्जत का कचरा हो जाएगा। कचरा तो तू रोज ही करता है, जैसा मैं कहता हूँ वैसा कर, बच जाएगा। जल्दी बोल, अब तू सीधा अपने घर जा। नाटक करके बहुत गुस्से में, कपड़े उतार, सीधा नहाने चला जा, फिर ब्रश करके फ्रेश बाहर आ जा। तुझसे सिर्फ साबुन की खुशबू आएगी, शराब की बदबू बिल्कुल नहीं आएगी, समझा? ऐसा क्या? चल तेरा भी आइडिया ट्राई करके देखता हूँ। चल ठीक है, आराम से जाना। चल चलता हूँ, कल मिलते हैं। हाँ।